कक्षा 12 की हिंदी का आज तीसरा अध्याय। इसमें हम पढ़ेंगे कवि कुंवर नारायण। इनकी दो रचनाएं कविता के बहाने, जो कि इनके इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई हैं, और दूसरी इनकी कविता है बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई हैं। हम इनका व्यक्तिगत परिचय जानते हैं। जन्म इनका 19 सितंबर 1927 को यूपी के फैजाबाद में हुआ था। 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। अंग्रेजी में इन्होंने डी लिट की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। लेखन कार्य इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में किया था। इनका स्वभाव यायावर प्रकृति का रहा है और ये पोलैंड, रूस, चीन की यात्रा इन्होंने करी थी। इनका विवाह भारती गोनेका से हुआ था और इनके एक पुत्र था अपूर्वा। इनके राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो ये नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और इन्होंने जो साहित्य रचना की है उसमें काव्य संकलन है प्रथम काव्य संकलन चक्रव्यूह और द्वितीय काव्य संकलन है परिवेश हम तुम। इनकी रचना है आत्मजयी, ये प्रबंध काव्य है और इसका आधार है नचिकेता प्रसंग। कहानी संग्रहों में आता है आकारों के आसपास। इनका समीक्षा ग्रंथ है आज और आज से पहले। इनका और जिन जिन पत्रिकाओं से इनका जुड़ाव रहा उसमें है युग चेतना, नया प्रतीक और छायांत। साहित्यिक कृतियों में इनकी अज्ञेय, अपने सामने, साहित्यिक समीक्षा, कोई दूसरा नहीं, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर्विषयक संदर्भ। इनको पुरस्कार मिले थे 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार समग्र कृतित्व पर, इनकी जितनी भी कृतियां थी उन सब पर मिलकर के, और 2009 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। इनकी कृतियों में हम बात करते हैं तो आती हैं आत्मजयी और आकारों के आसपास, अपने सामने और हिंदी सेवा के लिए, इन्हें हिंदी संस्थान, ये इनके पुरस्कार है। इस कृति पर इनको ये पुरस्कार मिले थे। आगे देखते हैं 1995 में इनका जो काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और भवानी प्रसाद मिश्र सतदल सम्मान इन्हें मिला था। 2001 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय कविताओं पर कबीर सम्मान मिला और संपूर्ण हिंदी कृतित्व पर लोहिया सम्मान पुनः पंडित अवार्ड जो है वो दिया गया था। 2006 में इन्हें श्लाघा पुरस्कार मिला था। तो इतने सारे पुरस्कार कवि कुंवर नारायण को मिले हैं। इनके काव्य संग्रह इन दिनों की बात करते हैं, वहां से ली गई इनकी कविता है कविता के बहाने। ये कविता के बहाने जो है ये कविता इनकी इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। और यहाँ पर इस कविता में कवि ने तीन चीजों से कविता की तुलना की है। इसमें पहली तुलना की है चिड़िया की उड़ान से और इसमें प्रतीक प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरी तुलना की है कवि ने फूल की महक या फिर फूल का खिलना, इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और तीसरी चीज है बच्चे के खेल के साथ, लेकिन यहाँ पर बच्चे के खेल के साथ उसकी तुलना न करके कविता की समानता या उसकी सादृता स्थापित की गई है। कविता एवं चिड़िया की उड़ान में प्रमुख अंतर क्या है? तो ये प्रमुख अंतर ये है कि आकाश में उड़ान की सीमा होती है, कविता की कोई सीमा नहीं होती है, जबकि चिड़िया की आकाश में उड़ान के दौरान अपनी सीमाएं होती हैं। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, इसलिए वह कविता के उड़ान का महत्व तो नहीं समझ सकती। कविता के पंख व्यापक उड़ान भरते हैं और कोई सीमा जो है इसका कोई सीमा नहीं होती है, इसका चित्र अनंत होता है। दूसरी जो रचना है इनकी कविता है बात सीधी थी पर, ये कविता इनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है और ये एक प्रकार से व्यंग्यात्मक है। इसका जो मुख्य संदेश है इस कविता का वो है कि कविता सृजन में अनावश्यक क्लिष्टता से बचना चाहिए। उक्त कविता में कवि के क्लिष्ट दुराग्रह पर व्यंग्य किया गया है। इस कविता में पांचाली रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग जो है वो हुआ है। बात ने शरारती बच्चे की तरह, यहाँ पर उपमा एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। साधारण धर्म लुप्त है और बिंब योजना, कील की तरह ठोकना, पसीना पोंछना, ऊपर से ठीक ठाक, तमाशबिनों की शाबाशी और वाहवाही, यहाँ पर विप्सा अलंकार है। कविता में प्रयुक्त शब्द और वाक्यांशों का अन्य अर्थ में इस प्रकार है, जैसे पैच को खोलना, बात को सुलझाना। पैंच को खोलने का मतलब है बात को सुलझाना। बेतरह कसना, यहाँ पर भावों की अवहेलना कर पांडित्य प्रदर्शन करते रहना। बेतरह कसना का मतलब है मूल भाव है उसकी अवहेलना करते हुए
अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, पांडित्य का प्रदर्शन करना। बाद की चूड़ी मर जाना, इसका अर्थ है कथन में कसावट न आना, शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना, और पेच को कील की तरह ठोक देना, कथन का प्रभावहीन हो जाना, बात का बन जाना, यह कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। कर्तव्य काव्य सृजन की क्रिया। तमाशबीन का अर्थ होता है समीक्षक। जोर जबरदस्ती का मतलब है अनावश्यक क्लिष्टता, अलंकरण और दुराग्रहता। कविता में पेच, कर्तव्य, बेतरह, तमाशबीन आदि शब्द भावाभिव्यक्ति को प्रभावी बना रहे हैं। जोर जबरदस्ती करना, क्लिष्टता, कल्पना और पांडित्य प्रदर्शन की बात कविता कवि कवि ने यहाँ पर इस कविता में की है। तो ये इतिहास की हमारी कविता। अगले वीडियो में आप और हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय, जिनकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। तो ये हमारा कंटिन्यू चलेगा चैप्टर। रोज आपको ये शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो मिलेगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यदि आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, या फिर आप और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रविष्ट हो रहे हैं जहाँ पर हिंदी का सिलेबस है आपका, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये नोट्स आपके बहुत ही काम के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।